अंजलि ने डाउट पूछा है, सर आई एम बिलो एवरेज स्टूडेंट, तो अगर मैं शिद्दत से एक साल पढ़ाई करूं तो क्या मैं गेट एग्जाम क्रैक कर सकती हूं? तो है ना, गेट एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको कुछ प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए। सबसे पहला प्रिंसिपल है नो नेगेटिविटी। ये दुनिया आपको सिर्फ और सिर्फ डेटा साइंस देगी कि 10 लाख स्टूडेंट लिख रहे हैं, है ना, सीट्स देखो कितनी कम है, देखो कितनी नेगेटिविटी है, तो पूरा माहौल नेगेटिव होगा। इस चक्कर में आप पढ़ाई नहीं करोगे या आपकी जो एनर्जी आती है डेली आप पूरा वेस्ट करोगे नेगेटिव कॉमेंट्स में। तो सबसे पहला पॉइंट नो नेगेटिविटी। जो भी पढ़ाई कर रहे हो कुछ ना कुछ उसका बढ़िया हो ही जाएगा। अगर एमटेक करोगे तो वहां से बढ़िया हो जाएगा, अगर पीएसयू जॉब मिल गई वेल एंड गुड, अगर ईएससी क्रैक कर दिया, अगर एटीसी एग्जाम है, आईएसआरओ एग्जाम है, डीआरडीओ एग्जाम है, कितने एग्जाम है, आपको तो एक ही एग्जाम क्रैक करना है ना। अगर आपकी कंसेप्ट स्ट्रांग है तो कोई एग्जाम क्रैक हो ही जाएगा। सो नो नेगेटिविटी, है ना, दिमाग में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बातें सुननी है। सेकेंड प्रिंसिपल इज पेशेंस। ये जर्नी काफी लंबी रहती है, तो है ना, बहुत सारे स्टूडेंट पेशेंस मिस कर देते हैं। सर 1 महीना 3 महीना 6 महीना, सर 6 महीने के बाद गिव अप वाली फीलिंग आती है, अब और नहीं होता, आपको पुश करना पड़ता है अंदर से। नेचुरली आप 3 महीने लगातार पढ़ सकते हो, और उसके बाद आपको एक पुश चाहिए, एक मोटिवेटर चाहिए, एक मेंटर चाहिए जो आपको डेली गाइड कर सके कि हमारी जर्नी थोड़ी सी दूर है, चलो, है ना, उठो और आगे बढ़ो। ऐसे हार करके आप बैठ नहीं सकते, निराश होकर के बैठ नहीं सकते। जिंदगी में अगर सफलता चाहिए, जिंदगी में अगर अच्छी जिंदगी जीनी है, पर जिंदगी काटनी नहीं है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैं तो स्टूडेंट्स को कहता हूं, अभी मजे करो, फिर बाद में सजा होगा पूरी जिंदगी, या अभी सजा काट लो, वनवास भोग लो, और फिर देखो पूरी जिंदगी मजे कैसे होती है। क्योंकि जब अच्छी सैलरी होगी तो आप अपने शौक को भी पूरा कर सकते हो, आप कंफर्टेबल जिंदगी जी सकते हो, और आपको टेंशन नहीं होगी मनी से रिलेटेड। तो यार कर्म फल तो भोगना पड़ेगा, सीधा सक्सेस आपको नहीं मिलेगा। सीधा सक्सेस चाहिए तो आपको लकी होना पड़ता है, किसी अमीर घर में अगर आप पैदा हो जाते तब आपको इंस्टेंट सक्सेस मिलती है। बात समझ में आ रही है? पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हार्डवर्क के बिना ये जर्नी आप ट्रैवल नहीं कर सकते, है ना। और फिर लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगा कि एक टेस्टिमोनियल रखना। अगर किसी ने कर लिया है ना तो मैं भी कर जाऊंगा। मेरे यूट्यूब चैनल पर इसलिए मैं वीडियो अपलोड करता हूं, अक्षित हमारा बच्चा थर्ड ईयर में था, थर्ड ईयर में रह करके उसने अच्छी रैंक हासिल की अंडर 500। अगर अक्षित ने रैंक हासिल की है तो हम भी कर सकते हैं यार। वो थर्ड ईयर पहला अटेम्प्ट उसने क्रैक कर लिया, हम क्यों नहीं कर सकते? अगर कोई और कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। इसलिए इंटरव्यूज को सुनिए, उन लोगों को देखिए जिन्होंने क्रैक किया है, वो आपको और अच्छे से गाइड कर सकते हैं। ये 3 चीजें हैं, पहली चीज नो नेगेटिविटी, सेकेंड चीज पेशेंस एंड हार्डवर्क, एंड थर्ड थिंग्स इज टेस्टिमोनियल, इंटरव्यू सुनिए। बाय, टेक केयर।